सदन में सरकार ने लिखित जवाब में बताया है कि पिछले 9 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला गया है। यह वह दौर था जिसमें देश अनियोजित लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भारी संकट में था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कमर्शियल बैंकों ने 2018-19 में 2,36,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,34,000 करोड़ रुपए और 2020-21 के पहले 9 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया है। एक आरटीआई के मुताबिक 2015 से 2019 के दौरान मोदी सरकार ने 7,94,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ यानी कि कर्ज को बट्टे खाते में डाला। यह मनमोहन सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के मुकाबले 350% ज्यादा है। यूपीए के कार्यकाल में कुल 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाला गया जो कि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने कम समय में इतना पैसा बट्टे खाते में क्यों डाला गया, किसका पैसा डाला गया, नुकसान किसका हुआ? तो जवाब जान लेते हैं। मोदी सरकार ने इतने बड़े कर्ज को बट्टे खाते में इसलिए डलवाया क्योंकि उन्हें एनपीए कम दिखाना था, अपने उद्योगपति मित्रों और भगोड़ों की मदद करनी थी। ज्यादातर ऐसे लोगों का लोन राइट ऑफ किया गया है जिनके मोदी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध थे या है। कुछ दिन पहले 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला गया। इसका सीधा नुकसान बैंकों को और अप्रत्यक्ष तौर पर आम लोगों को हो रहा है। सरकार कह रही है कि लोन राइट ऑफ करना कर्ज माफी नहीं होता, फिर क्यों 7,94,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 82,000 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हुई है। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार लोन राइट ऑफ करवाकर देश की अर्थव्यवस्था को पीछे क्यों धकेल रही है, आर्थिक भगोड़ों का साथ क्यों दे रही है, अपने मित्रों के फायदे के लिए आम लोगों को धोखा क्यों दिया जा रहा है, एनपीए को कम दिखाकर आखिर क्या साबित करना चाहती है सरकार। इन सब सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा।